everyone. Welcome to my class. So, last video in which asymmetries the operations were discussed. See, तो कुछ questions के लिए से three point दो दे. So, मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे video बहुत पसंद आएगी, आई होगी. So, आज जैसे discuss करने लग गया ना, जो अपना next topic है transpose of the matrices. Transpose of the matrices is very easy and interesting. क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज्यादा मतलब मजा आता है इस टॉपिक में करते हुए. सो देखते हैं कि ये है. ट्रांसपोज के विच की होंगे इंटरचेंज करते हैं आप इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स. ठीक है, कि इंटरचेंज रो एंड कॉलम. इन्हों पर एग्जांपल ना समझते हैं. जो मेरे को कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3. सो इस द ऑर्डर की है 2 by 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. देन ट्रांसपोज है जो ट्रांसपोज किवें डिनोट करते हैं ए डैश नाल भी कर सकते हैं और ए टी नाल भी कर सकते हैं. किसी किसी ए डैश नाल किया होंगे तो कुछ बुक्स ने जिन्होंने ए टी नाल भी डिनोट किया होंगे. सो दोनों नोटेशन है. सो की है जो ये रोज ने फर्स्ट मैट्रिक्स से जो अपनी जो ये रोज ने उन्हें की करना पर रोज नू कॉलम्स चेंज करना तो कॉलम्स नू रो दे भी चेंज करना. सो किवें जी रो है किवें कॉलम किवें बनेंगे 2 3 4 1 2 3. सो ये आते हैं अपने को 3 रोज 2 कॉलम. जिहड़ा उहदा ऑर्डर सीगा उह की हो जाएगा चेंज हो गया. ठीक है, सो ये अपने को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम. सो उतार लो. नेक्स्ट है अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने को द फर्स्ट वन इज ओके है कि जे असी ए मैट्रिसेस दा ट्रांसपोज करिए देन उधर अगेन ट्रांसपोज करिए कि इक्वल आएगा ए इक्वल ही आएगा. ठीक है, सो सेकंड है अपने को कि ए प्लस बी मैट्रिसेस दा ट्रांसपोज करिए तो ये इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. थर्ड है कि किसी वेरिएबल मतलब स्केलर नाल मल्टीप्लाई करिए ए मैट्रिसेस नु देन उधर ट्रांसपोज करिए तो की आएगा के इनटू ए डैश. देन फोर्थ है अपने को ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स अ डिफरेंट क्यों इधर मेथड की है कि पहले बी ट्रांसपोज आएगा देन उसके बाद ए ट्रांसपोज आएगा. ठीक है, सो फोर प्रॉपर्टीज अपने को जो साडे कोल ट्रांसपोज दियां ने ना. अगे अपन जो एक्सरसाइज करांगे तो इस प्रॉपर्टीज नाल रिलेटेड में क्वेश्चंस भी करावांगे क्योंकि इहदे विच ए वाली प्रॉपर्टीज बस चारों ही इंपोर्टेंट है पर इस प्रॉपर्टी नाल रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं साडे पंजाब बोर्ड दे विच वो आ जांदे ने. सो नेक्स्ट जदों आपां क्वेश्चंस करांगे एक्सरसाइज करांगे तो हुण मैं इहनां दे विच कुछ क्वेश्चंस भी करवावांगी जिथे थोड़े डाउट है या कुछ भी थोड़ा वो सारा क्लियर हो जाए. ठीक है, सो इन नोटां कर लो. नेक्स्ट है अपने को स्क्यू सिमेट्रिक. पहले सिमेट्रिक आगे पहले को सिमेट्रिक पढ़ लेंगे. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गल करते हैं सिमेट्रिक दी. सिमेट्रिक दे विच की है सिमेट्रिक है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, एन बाय एन दी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हें आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स उदो कहेंगे जब ए आई जे इज इक्वल टू जे ऑफ
I होगा for all a I j, for all possible values of I and j, right? इतना a की definition है कि a I j is equals to a j I होंगे जो तो दोनों पर की कहेंगे symmetric. ये definition है कि four definition ये देखिए कि जो तो a transpose is equals to a ही आगे तो भी की बंदा अपने को symmetric matrix ही बनता है, ठीक है? So ये देखिए आप example देख लेंगे symmetric matrix नहीं ये विच की है अपने को 1 2 3 2 4 5 and 3 5 6 right देखो ये विच की है कि a वाले एलिमेंट्स और a वाले एलिमेंट्स की नहीं इक्वल है इक्वल क्यों नहीं क्योंकि ये पोजीशन देखो ये पोजीशन की है a12 is equals to a of 2 1 interchange होंगे ना जब i j किधर क्लोज है j i है so 1 2 is change 2 1 same elements होंगे और a13 is equals to a of 3 1 a23 is equals to a32 तो अच्छा कि सब क्लियर हो रहा है कि अपने को symmetric matrix क्लियर हम जब आप j अपन इस matrices the transpose लगने चाहिए करो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आंदा देखो रो है वो कॉलम से चेंज हो जाएगी 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6 क्या है ये बिल्कुल सेम आ रही है ना कोई चेंजेस नहीं है दैट मींस ये की बन गया बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके सो नेक्स्ट है अपने को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो एग्जांपल ले लेने अपने ए मैट्रिक्स है अपने को 0 माइनस 5 सॉरी 5 6 माइनस ऑफ 5 0 7 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 7 राइट सो ए की है 3 बाय 3 मैट्रिक्स है जिस विच देखो तुसी देख सकते हो ए की है सेम पे है बट नेगेटिव साइन सो a12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 1 a13 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 1 एंड a23 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 2 दे इक्वल सो यही डेफिनेशन सी कि aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ji फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ i एंड j राइट सो ये अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स का j मैं ट्रांसपोज लेंगे सो ट्रांसपोज लेके की बनेगा देखो ये की बनेगा 0 5 6 माइनस ऑफ 5 0 7 माइनस 6 माइनस 7 देन 0 ओके सो मैं की कितना है इतने या तो माइनस कॉमन कर लो या माइनस में मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें माइनस में मल्टीप्लाई कराऊंगी तो की बन जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा राइट माइनस ऑफ 5 0 7 माइनस 6 माइनस 7 0 सो एक ही आ गया अपने को a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e आ गया ई मैट्रिक्स की देख पे सी ए देख को ही सी सो तुसी देख सकते हो कि अपन की यही अपने को मैट्रिक्स सी के के ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए यही आ गया सो इनु की बोल गए अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है जी क्योंकि जो अपने क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर वो अपने सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक को ट्रांसपोज नाल रिलेटेड ही होंगे ज्यादातर जो पंजाब बोर्ड के विच एग्जाम्स आते हैं सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ नेक्स्ट अपन यदि एक्सरसाइज है 3.3 कर दिया कर लिया x
exercise number 3.3. okay, is which tode jo first two questions hai, I hope tusi eh kar sakde ho. theek hai, so apa third question karan lagya. dekho pehla third question kya hoga ki apne kol a transpose given hai. a transpose hai apne kol 3 4 3 4 -1 2 0 1. ओके, एंड कोई बी मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट्स है अपने को -1 2 1, तो 1 2 3, राइट. तो ये भी जैसे की करना है, वेरीफाई करना है. वी हैव टू वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तुसी ए देखो अपने कोल की गिवन. वी हैव ए ट्रांसपोज, राइट, एंड दिस इज ओनली अ बी मैट्रिसेस, राइट. वन इज ए ट्रांसपोज एंड सेकंड इज ओनली अ बी मैट्रिसेस. ठीक है, सो जो बच्चे जिथे कंफ्यूज होते हैं, जिथे सब तो बड़ी गलती करते हैं, वो की है ए पॉइंट. ठीक है, ऐसे बच्चे को पता, कई बार बच्चे की सोचते हैं इसमें ए मैट्रिसेस ही सोचते हैं. तुसी ध्यान देखना कि ये है कि ये ए ट्रांसपोज, राइट. पहला भी अपन गिवन है कि ट्रांसपोज है. अपन फाइंड की करना है ए प्लस बी. देखो ए की है ए ट्रांसपोज, तो पहला अपन होगा की करना पड़ेगा, इधर ट्रांसपोज अगेन करना पड़ेगा, ताकि ए दी इक्वल आएगी. अपना प्रॉपर्टी कितनी की प्रॉपर्टी सी कि ए ट्रांसपोज दा जे अपन ट्रांसपोज करिए कि दी इक्वल आएगी, ए दी इक्वल ही आएगी. सो इस सॉल्यूशन के लिए अपने को की है कि अपन ए ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज करना है. सो जो ये ट्रांसपोज करांगे ए की बन जाएगी 3 -1 0 4 2 1, राइट, व्हिच इज इक्वल टू इक्वल आ गई अपने को ए दे इक्वल. सो अपने को की बन गई कुल ए मैट्रिक्स. क्लियर है, हुन की कह रहा है ए प्लस बी नु ऐड करो. ए प्लस बी ऐड करो, ए की ने अपने को 3 -1 0 एंड 4 2 1, देन प्लस बी मैट्रिसेस -1 2 1 1 2 3. इनको अपन ऐड कर देंगे, ऐड करके क्या आएगा देखो, ऐड करके क्या आएगा 3 -1 दैट इज 2, -1 + 2 दैट इज 1, 0 + 1 1, 4 + 5 एंड 4 एंड 4, राइट. फिर वो की कह रहे हैं कि ए प्लस बी का तुसी की करना है ट्रांसपोज करना, तो दूसरे ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा 2 1 1 5 4, राइट. सो अपने को क्या आया ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, राइट. देन ये है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है, क्यों इक्वल आ रहे हैं. देखो ए ट्रांसपोज अपन गिवन है, पर पहले बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए. सो बी ट्रांसपोज कटन दे ले, मैं ठीक कर रहा बी ट्रांसपोज कट रहा तो की बन जाएगा -1 2 1 1 2. सो की करना है अपन ने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज दी वैल्यू की ने अपने को 3 4 -1 2 0 1, देन प्लस बी ट्रांसपोज की ने -1 1 2 2 1 3, देन इन दोनों ऐड करो, ऐड कर 3 -1 दैट इज 2, 4 + 1 5, कितना जगह 1 4 1 एंड 4. नाउ यू कैन सी दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है या नहीं है. ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी कितनी सी प्रॉपर्टी दे विच लिखाया सी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज दे विच. ठीक है, सो इथे अपन प्रॉपर्टी भी करता प्रूफ दी. ठीक है, नाले क्वेश्चंस का आता नाले मतलब प्रॉपर्टीज भी समझ आई होगी कि ये क्या होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ठीक है, सो नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट है थोड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अपने को गिवन है फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर अ मैट्रिक्स ए एंड बी, ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल है या नहीं. ये भी प्रॉपर्टी अपने को वेयर ए है अपने को
1 minus 4, 3, and B have my goal minus 1, 2, 1, right? So, what do we need to do? A, B find. Okay? So, A, B find means A, D, B multiply. Multiplication. करने. So, multiply करके क्या आएगा अपने को minus 1, 2, 1, 4, minus of 8, minus 4, minus 3, 6, or 3. Right? Then हमने की क्या A, B, दा फिर अब क्या अपने की करना है transpose. जो तो हमने A, B, दा transpose कराएंगे, तो कितना आ जाएगा अपने को minus 1, 2, 1, 4, minus 8, minus 4, minus 3, 6, 3. Clear it? ये अपने को लगे A, B, दा transpose, right? एक साइड अब मैंने find कर ली, तो देखो B transpose into A transpose. पहले अपन B transpose कर लेंगे, B transpose देगा minus 1, 2, 1, and A transpose कितना आएगा अपने को 1 minus 4, 3, right? तो अपन की करनी है अभी multiplication करनी है minus 1, 2, 1 and 1 minus 4, sorry. Right? So multiplication करके answer क्या आएगा अपने को minus 1 plus 4 minus 3 2 minus 8 6 1 minus 4 3. हाँ जी देखो कि अपना answer सही आ रहा है equal आ रहा है. So ऐसे की हो गया अपने को कि जो A B matrix is the transpose equal to B transpose A transpose होंगे. So ये भी थोड़ी property है कि वो clear हो गई है. So anyway note down कर लो. Next up, take a 10th question, which is very, very important. A question is paper de vich aayi jaanda hunda hai. Is question de vich ki hai, ki apne ko express the matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Theek hai na? Eh question de liye apne ki karna hai, ki keh rahe hai ye, ki apne ko koi matrix hai jo, wo matrix symmetric matrix plus skew symmetric the sum hundi. Right? Theorem hai apne ko ek theorem ki kehni hai ki A is equals to 1 by 2 A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A transpose hundi. Clear hai ji? A ki apne ko symmetric aur A ki hai skew symmetric matrix. On the other sum ki de equal aayega apne ko A de equal aayega. Right? ये अपने थ्योरम दे अकॉर्डिंग है. हम अपन ये थ्योरम ऐसे अप्लाई करके देख रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन किया अपने को पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस जिन्हें प्रूफ करने हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस है या नहीं है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अपन की फाइंड करना पड़ना है. अपन फाइंड करना पड़ना 1 बाय 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज अपन फाइंड करना है. सो इज अ सिमेट्रिक राइट. सिमेट्रिक के लिए की करेंगे 1 बाय 2 ए की अपने को सबसे पहला अपन की करते हैं नाल ही ऐसे ए ट्रांसपोज भी कर लेंगे कि आएगा 3 5 1 minus 1, right? 3, 5, 1 minus 1 आ गया. So, अच्छे put कर दो values. A की भी अपने को ले matrix is 3, 5, 1 minus 1 plus 3, 1, 5 minus 1. So, 1 by 2 की बन गया है. 3 plus 3 that is 6. उसके बाद 5 plus 1 6. 1 plus 5 6. Minus 1 minus 1 minus 2, right? So, in divide करके क्या आएगा 3 3 3 minus 1. So, एक ही अपने को symmetric matrix है क्योंकि ये A 1 2 is equals to 2 1 दे इक्वल आ गया. So, it is a symmetric matrix. ठीक है. A अपन प्रूफ करते हैं. Then अपन प्रूफ करना है कि 1 by 2 A minus A जो भी A transpose is a skew symmetric. Is a skew symmetric matrix. हाँ जी.
देखिए अपना ये प्रूफ हुंदी है कि नहीं हुंदी. सो की अपने को 1/2 ए मैट्रिसेस के एलिमेंट्स लिख लो की है 3 5 1 माइनस माइनस ऑफ 3 1 5 माइनस 1. सो 1/2 इन ऐड करो. सो माइनस करेंगे 3 माइनस माइनस 3 दैट इज 0, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 1 माइनस माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0. सो देखो डिवाइड करेंगे से की आएगा 0 2 माइनस ऑफ 2 0. सो तुसी देख सकते हो कि की आया है aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ji आ गया. सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. जो अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है उन्होंने दोनों की करेंगे आप ऐड करेंगे. ठीक है. सो ऐड करने के बाद क्या आएगा 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0. सो ऐड करने के बाद 3 प्लस 0 दैट इज 3, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 3 माइनस 2 1, माइनस 1 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू ए. ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਣ ਗਈ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ.